इस लॉकडाउन में जहां लोग घरों में रहकर घुटन महसूस कर रहे हैं, वहीं एक स्कूल की शिक्षिका ने लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाया और बना डाली दर्जनों पेंटिंग। पेंटिंग देखकर आप भी दांतों तले दबा लेंगे उंगलियां। दमोह के महर्षि विद्या मंदिर स्कूल की शिक्षिका शालिनी तिवारी भले ही पेशे से शिक्षक हो, लेकिन उनके अंदर का कलाकार इस लॉकडाउन में जमकर उभर कर आया और कोरे कागज और कार्ड शीट पर उकेर दिए कला के ऐसे रंग कि देखने वाले भी दांतों तले उंगलियां दबा लें। शालिनी तिवारी पेशे से शिक्षिका है, लेकिन कला के हर फन में माहिर है, फिर चाहे पेंटिंग का शौक हो या फिर योगा मॉडलिंग। इस वर्ष दमोह मिस प्रतियोगिता में भी दूसरे स्थान पर रहकर खूबसूरती और मिस दमोह का खिताब अपने नाम किया। इस वक्त हमारे साथ महर्षि विद्या मंदिर की शिक्षिका शालिनी तिवारी जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे इस लॉकडाउन के दौरान इन्होंने अपना वक्त कैसे गुजारा। शालिनी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैंने आपकी कई पेंटिंग्स देखी हैं, कैसे गुजारा पूरा वक्त आपने? कुछ नहीं, मैंने नॉर्मली मैंने सोचा कि खाली टाइम बिल्कुल भी ना गवाया जाए। मैंने अपनी मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक है, तो मैंने खाली टाइम बैठ के पेंटिंग बनाई, स्केचिंग की, और डांसिंग करने का मुझे बहुत शौक है। डांसिंग, योगा और घर का काम, कुकिंग, इन सब में पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि लॉकडाउन चल रहा है। हमारे दर्शकों से क्या अपील है आपकी? मैं सबसे यही बोलना चाहूंगी कि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें और अपनी हॉबी को निखार के लाएं, क्योंकि अभी ये बहुत अच्छा मौका है हमें अपने मन का कुछ भी सीखने का बिना घर के बाहर जाए। तो प्लीज अपने घर में ही रहें और घर में ही रह के कुछ ना कुछ जरूर करते रहें। थैंक यू। तो ये कहना था शालिनी जी का कि अगर कोई हुनर है तो उसको जाहिर कीजिए, लेकिन घर से ना निकलिए। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। Subscribe now to most exciting channel ever.